किया और सड़कों का चार हटाने के लिए इसी सड़कें मंजूर किए। इसलिए सब ठाकर के साथ और भी आपके कोई काम होंगे हम जाने आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे, हमारे नेताओं से बात करेंगे और पूरी ताकत के साथ आपके साथ रहेंगे। और आप सौ के दिशा में और उपचुनाव जीतना है ये आप और आतंकवाद मजबूत लेना है हमारी मातृशक्ति बेटी है और हमारे कार्यकर्ता बेटे हैं। इधर चाली बजा करके हम कांग्रेस जीते हैं जो उपचुनाव चाली बजा कर आप खड़े करके कांग्रेस भाई किसान नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी अशोक गहलोत गोविंद गर्गा इसलिए सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आप बता रहे हो आपको स्वागत है और सदा मेरे किया गया पूरी ताकत के थके उपचुनाव में थके रोला और चुनाव जीता वाला से मंगा और से थका और कोई भी कोई बात नहीं आप लोग सब काम करने का संकल्प लेते हैं आप चुनाव जीता संकल्प ले इसी आशा विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल जांगीर शेखावाटी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और हम अभी आपको ये नज़ारा इधर से हम आपको दिखा रहे हैं जो आज किसान महापंचायत सम्मेलन धनेरू कांकड़ बीकानेर और चूरू जिले की सीमा पर किसान भाइयों को सभी कांग्रेसियों को मैं असलाव ताल जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत राजस्थान के माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा राजस्थान प्रभारी कांग्रेस के अजय जी माकन एवं समस्त कांग्रेस के चूरू जिला प्रभारी मंत्रीगण बीकानेर के इस बीकानेर पूरे संभाग से आने वाले हैं और कुछ मंत्री महोदय पधार चुके हैं, मुख्यमंत्री जी अभी तक पधारे नहीं है। उसी का ये आपको हम रेला दिखा रहे हैं किसान सम्मेलन का, हम आपको ये रेला दिखा रहे हैं पूरा का पूरा जो आप देख सकते हो पूरी भीड़ है जो किसान सम्मेलन बीकानेर संभाग चूरू आसपास हनुमानगढ़ बीकानेर श्री गंगानगर किसान भाइयों को संबोधित करेंगे बहुत ही सभी जगह से ये भीड़ अनवरत अभी भीड़ आ रही है ये और पूरा पुलिस प्रशासन महकमा यहाँ पे प्रशासन की पूरी महती यहाँ पे भूमिका और पूरा यहाँ पे हेलीपैड वगैरह और सारा सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। मुख्यमंत्री जी आएंगे पूरा यहाँ पे पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है आप देख सकते हो पुलिस प्रशासन की चूरू से बीकानेर से तमाम पुलिस जो महकमा है प्रशासन है अपनी बात आपके सामने अधिकारी गण है वो पूरे पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। हमारे ये जो जगह है वो है चूरू जिले और बीकानेर जिले की सीमा पर धनेरू पंचायत के अंदर श्री डूंगरगढ़ तहसील यहाँ पे लगती है असलाव ताल जहाँ पर आज दिनांक 27/2/2021 को ये किसान महापंचायत का जो सम्मेलन है वो आयोजित यहाँ पे हो रहा है जिसमें आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे भारी भीड़ लवाजमा प्रशासनिक व्यवस्था के साथ। अब महिला शक्ति को देख सकते पूरी महिला शक्ति यहाँ से और अंदर तो क्या कि भीड़ पूरी की पूरी जो भीड़ है वो भर चुका है, अंदर जो पूरा टेंट है वो भर चुका है और बाहर से अभी भी लोग भागे चारों तरफ से अभी भी लोग भागे वो आ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो पूरी भीड़ एकदम एक शानदार नजारा किसानों का और पूरे किसान राजस्थान की एक पूरी यहाँ एकता राजस्थान के जो किसान है वो पूरे उमड़ रहे हैं यहाँ पे अभी भी भीड़ है वो अनवरत यहाँ पे जारी और धीरे धीरे पूरी भीड़ यहाँ पे बढ़ रही है पूरी यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो उन्होंने संभाल रखी है। आस पास के एरिए डूंगरगढ़ है बीकानेर है बिदासर है सुजानगढ़ है पूरा हम आपको यहाँ पे ये भारी आपको हम नजारा दिखा रहे हैं पूरा हम टेंट के अंदर तो नहीं है पूरा क्योंकि टेंट तो पूरा भर चुका है वहाँ पे अभी पूरी भीड़ आ रही है पता नहीं अब किसान सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हो रहा है तो इतनी यहाँ पे ये व्यवस्था कैसे होगी क्या होगी। और जो केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पे पूरी एक एकता का यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है किसान जो विरोधी जो केंद्र सरकार जो कानून लेके आई उसी के विरोध में ये पूरा का पूरा यहाँ पे विरोध स्वरूप में पूरी भीड़ आप देख सकते हो हम उसका पुरजोर से विरोध करते हैं पूरा हम आपको यहाँ पे ये दृश्य आपको अवलोकन हम दिखा रहे हैं श्री डूंगरगढ़ के तहसील के धनेरू पंचायत के अंदर ये असलाव ताल तीन चार साल पहले जियो फोन आया और उस जियो फोन ने हमें लालच दिया कि फ्री में फोन मिलेगा डाटा मिलेंगे
धन्यवाद दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको और भी यहाँ से जो हमें आपको अपडेट है वो हम देते रहेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत। कि अब फ्री में आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है, जितने मोबाइल हैं।